नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नगर निगम सदन की 23वीं व 24वीं बैठक में सर्वसहमति से 45,254.85 लाख का नगर निगम का बजट हुआ पास। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वरीयता के आधार पर सभी पार्षदों को क्षेत्र में कार्य कराने के लिए दिया जाएगा 40 लाख रुपए। फर्जी वेबसाइट और फर्जी कंपनियों के नाम का प्रयोग कर अलग अलग शहरों के होटलों में जाकर लोगों को लुभावने हॉलीडे पैकेज का ऑफर देकर रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 1 पैन कार्ड सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, विकास कार्यों में पाई गई है कुछ कमी, 1 सप्ताह के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिया निर्देश। स्ट्रीट वेंडरों की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। कहा, 900 पेंडिंग एप्लीकेशन का बैंक 2 दिनों के अंदर करे निस्तारण। किसी भी तरह की समस्या होने पर स्ट्रीट वेंडर कंट्रोल रूम के नंबर पर कर सकता है शिकायत, तत्काल होगी कार्यवाही। अठारह अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। कहा, यातायात नियमों का पालन करके मार्ग दुर्घटना में लाई जा सकती है कमी, सभी लोग यातायात नियमों का करें पालन। अठारह अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का चरगांव ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों में बढ़ाई जा रही है जागरूकता। नगर निगम में बोर्ड की बैठक से पहले शोक प्रस्ताव हुआ पारित। 1995 बोर्ड के सदस्य रहे प्रदीप कुमार व प्रेम चंद्र श्रीवास्तव के निधन पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों ने 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का किया गया वितरण, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने गुरु गोरखनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर कहा कि जल्द ही घाट पर हैंडपंप की जाएगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा ठंडा जल। दवा पर जीएसटी समाप्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और नवीन महवा मंडी में आलू की 1100 रुपए प्रति क्विंटल की हो रही है बिक्री। प्याज पहुंचा 1500 रुपए के पार। नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के आढ़तियों ने कहा, बिक्री हो रही है कम, आवक है भरपूर। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम सदन की 23वीं व 24वीं बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के नवनिर्मित सदन भवन हॉल में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि बैठक में कार्यसूची के अनुसार 3 बिंदु पर विचार विमर्श एवं निर्णय लिया गया, जिसमें पहले बैठक में नगर निगम की 20वीं, 21वीं एवं 22वीं बैठक के कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई तथा द्वितीय बिंदु नगर निगम गोरखपुर का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें आय व्यय अनुमान वित्तीय वर्ष 2021-22 जिसमें
प्राप्तियों का अनुमान 37,334.10 लाख तथा व्यय के अनुमान 39,155.90 लाख प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं एजेंडे के दूसरे बिंदु में ही मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 37,825.30 लाख तथा व्यय का अनुमान 45,254.85 लाख का बजट नगर निगम के सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया। इसके साथ ही अन्य विषयों पर महापौर की अनुमति से महानगर के विभिन्न समस्याओं एवं उनके निदान हेतु सभी पार्षदों द्वारा अपने अपने विचार रखे। साथ ही यह मांग की गई कि इस बोर्ड की समाप्ति इसी वर्ष होना है, इसलिए विकास कार्य हेतु 50 लाख प्रत्येक पार्षदगण को पार्षद वरीयता के रूप में बजट प्रदान किया जाए, जिससे क्षेत्रों में विकास कार्य हो सके। जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विकास कार्य हेतु 40 लाख रुपए प्रति पार्षद को पार्षद वरीयता के अनुसार प्रस्ताव लेकर अग्रिम कार्रवाई किया जाए। महानगर में EESL कंपनी द्वारा 11,000 पथ प्रकाश बिंदु कम लगाए गए हैं, किंतु उनके द्वारा पथ प्रकाश बिल का भुगतान लिया जा रहा है, जिसकी जांच नगर आयुक्त स्तर से विभिन्न वार्डों में कराई गई, जिससे स्थिति स्पष्ट हुई। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि संबंधित फर्म के अधिकारियों एवं नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ महापौर द्वारा एक शीघ्र बैठक कर स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। महानगर में सड़क पटरियों पर वृक्षारोपण भी किए जाने का प्रस्ताव आया, जिस पर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त अनेक महानगर के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, पार्षद गोली सिंह, रामलौट निषाद, संजय श्रीवास्तव, अभिषेक निषाद सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद संजय श्रीवास्तव एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, संजय श्रीवास्तव पार्षद हांसूपुर का हूं। आज नगर निगम की 23वीं बैठक थी। इस बैठक में बजट पास हुआ है और हम अपने वार्ड का मुद्दा यहां सदन में उठाना होता है, तो अपने वार्ड का मुद्दा गुरु गोरखनाथ घाट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सुंदर घाट बना के दिया है, लेकिन उस घाट पर डस्टबिन तक नहीं है और वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं, रोज़ सैकड़ों दोस्तों लोग अगर दाह संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठने के लिए छाया कुछ नहीं है, लोग धूप में परेशान रहते हैं, पानी हाथ धोने का लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। वही सब मुद्दा आज मैंने यहाँ उठाया है,
और नगरायुक्त साहब ने माननीय महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल इन सबों का समाधान होगा। और एक और बात हमने उठाया है कि जिस तरह से नौका विहार में बोटिंग चलाया जा रहा है, उसी तरह से इस घाट पर भी, गुरु गोरखनाथ घाट पर राप्ती नदी के किनारे भी, यहाँ भी बोटिंग चलाया जाए ताकि वहाँ पर्यटक के लोग और देखने के लिए आते हैं। उस तरह से रोज़ शाम को यहाँ पर्यटक लोग आते हैं घाट को देखने के लिए। जब ये बोटिंग की सुविधा हो जाएगी तो तुरंत तत्काल वहाँ पर्यटक की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने आग्रह किया नगरवासियों से कि फौरन तत्काल के तौर पर 2 बोटिंग का टेंडर कम से कम किया जाए कि बोटिंग तत्काल यहाँ चालू हो जाए। और इसलिए हम लोग का पर्यटक इस दूरी से बहुत सुंदर हो जाएगा। और यहाँ सुंदरता बढ़ाने के लिए डस्टबिन लगा दें और पानी की व्यवस्था करा दें। बजट 2022-23 पर चर्चा हुई, 473 करोड़ का भारी भरकम रकम गोरखपुर की जनता के विकास के लिए माननीय पार्षदों और अधिकारियों की उपस्थिति में स्वीकृति दे गई। इस बजट को पिछले दिनों हम लोगों ने कार्यकारिणी से पास कर दिया था और कार्यकारिणी से पास करने के बाद आज उस बजट को सदन भवन से पास कराना अनिवार्य होता है। इसी क्रम में आज सदन की बैठक प्रारंभ हुई है। शोक प्रस्ताव पारित करने के बाद बैठक समाप्त कर दी गई। उसके बाद पुनः बजट की बैठक की गई जिसमें 473 करोड़ रुपए का पुनरक्षित बजट को पास किया गया। ये जनता के विकास पर खर्च हुआ है। मैं अपने जितने भी हमारे पार्षद सहयोगी अधिकारी हैं, बड़े ही अच्छे माहौल में इस बजट को पास किए हैं जिससे जनता का विकास होगा। और बजट पास करना इसलिए ज़रूरी था कि ज़रूरी खर्चे हम लोग समय पर नहीं कर पाते और इसमें पूरे पार्षदों का सहयोग मिला है। हम लोगों ने जनता के लिए बजट को पास कर दिया। अब तेज गति से नगर निगम में विकास का काम होगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी पैसा है उसका सदुपयोग किया जाए और उसको पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ सड़क नाली का निर्माण किया जाए। इसी क्रम में आज ये कार्रवाई संपन्न हुई। मैंने सभी पार्षदों को, अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी है। जय हिंद। कैंट पुलिस ने हॉलिडे पर ले जाकर ठगी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को कारमल रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपक कुमार राय पुत्र राजेंद्र राय निवासी H35 सूरजकुंड जनपद संत कबीर नगर, दूसरा विकास गोस्वामी पुत्र सुरेश चंद्र गोस्वामी निवासी अराजी मलापुरवा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, तीसरा विशाल कुमार राय पुत्र विजय नारायण राय निवासी ग्राम परसरा खुर्द थाना दोहरी घाट जनपद मऊ, चौथा करुणेश निगम उर्फ शिवम निगम पुत्र रविकृष्ण निगम निवासी भरत मिलाप मैदान थाना सदर जनपद उन्नाव, पांचवा सोनू मिश्रा पुत्र हीरा मिश्रा निवासी बी 457 संगम विहार थाना संगम विहार जनपद नई दिल्ली, छठवां नवीन सिंह राठौर पुत्र रामललित सिंह राठौर निवासी डा 268 गली नंबर 204 संगम बिहार थाना संगम बिहार नई दिल्ली के रूप में हुई है, जिनके पास 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप, मै चार्जर, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 50 सेंटरा ग्रांड लॉयल्टी कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 1 डीएल, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 5 एग्रीमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, 1 ऑफर एंड फीडबैक फॉर्म बुकलेट व 20 अप्रूवल फॉर्म व 1 होंडा सिटी कार को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 17 अप्रैल को आवेदक विंग कमांडर शेखर डोरले एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि 26 जनवरी को बिग बाजार में खरीदारी के समय एक व्यक्ति द्वारा कूपन देते हुए उनके फोन नंबर और कुछ डिटेल्स मांगी गई थी। 2 दिन बाद एक कॉल के माध्यम से उनको बताया गया कि आपको फ्री मूवी टिकट्स, 3 दिन का होटल स्टे और स्पा के वाउचर दिए जाएंगे, जिसके लिए मुझे गोरखपुर के होटल क्लार्क में आना होगा। 29 जनवरी को शाम के करीब 5 बजे होटल क्लार्क के कॉन्फ्रेंस रूम के फर्स्ट फ्लोर पर कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी टीम और कुछ क्लाइंट्स के साथ पहले से मौजूद था, जहां पर उन लोगों द्वारा अपने कंपनी अवेस्टिन इंटरनेशनल क्लब के बारे में बताया गया कि 5 साल के लिए हॉलीडे स्कीम में कई लुभावने स्कीम को देने का ऑफर किया गया है
और अपनी फर्जी वेबसाइट पर लुभावने वीडियोस और कस्टमर के अच्छे 5-स्टार रिव्यूज दिखाए गए एवं फर्जी हॉलीडे पैकेज के नाम से आवेदक से 70,000 रुपए ठगी करने संबंध में प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों ने मिलकर वेस्टर्न इंटरनेशनल क्लब नाम की कंपनी बनाई थी, जिसके द्वारा हम लोग हॉलीडे पैकेज देने के नाम पर देश के विभिन्न शहरों में जाकर लोगों से कूट रचित फॉर्म व कार्ड प्रदान कर धोखाधड़ी करते हुए रुपया वसूल लेते हैं। इसी के क्रम में हम लोगों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में गोरखपुर आए और यहां होटल रामा पैलेस स्टेशन रोड गोरखपुर में रुके और शहर के विभिन्न मॉल व अन्य जगहों पर जाकर पहले धोखाधड़ी करने के लिए प्रचार प्रसार के कागज बांटे और फिर होटल क्लार्क में हॉल में एक सेमिनार आयोजन किए और लोगों को लुभावने हॉलीडे पैकेज, होटल्स, मूवी टिकट्स आदि का ऑफर देते हुए पहले फॉर्म भराया और फिर पैसा कैश व ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न अकाउंट में लिया गया। जब काफ़ी संख्या में हम लोगों ने काफ़ी पैसा एकत्र कर लिया तो गोरखपुर से हम लोग दूसरे शहरों में लोगों को ठगने के लिए चले गए और जब हमारे क्लाइंट फ़ोन करते तो बातों में बहलाकर चुप करा देते थे। अब हम लोगों ने उस कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी सेंटारा ग्रैंड इन एंड सूट्स लिमिटेड नाम की कंपनी खोल लिए हैं और आज उसी कंपनी का प्रचार प्रसार करके नए लोगों के साथ धोखाधड़ी करके रुपया कमाने आए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उपनिरीक्षक अवधेश चंद मिश्र, विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल संजय सिंह यादव, सुजीत कुमार यादव, राज नारायण ध्रुवंशी, दीपक शामिल रहे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में सोमवार को चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी गांव में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सोमवार को मेरे द्वारा सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में चौपाल लगाया गया। इस तरह का चौपाल लगातार जिले के अलग अलग गाँव में आयोजित हो रहा है, जिसमें गाँव के लोगों को अधिकारियों द्वारा चल रही शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। जहां कहीं भी कार्यों में लापरवाही पाई जा रही है, वहां के संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चौपाल में विकास कार्यों में थोड़ी कमी पाई गई है, जिसको देखते हुए सभी कार्यों को जुलाई तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जवाबदार धारक हैं, यहाँ पे कुछ जवाबदार धारक हैं नहीं, जरा हाथ उठाए जिनका जाप कार्ड बना है। 283 मतलब 60-70% परिवार का जाप कार्ड बना है, यहाँ जवाबदार धारक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि ग्राम चौपालों का आयोजन होना है और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मेरी अध्यक्षता में आज भीमापर में चौपाल लगाया गया। लगातार इस तरह की चौपालें हम लोग कर रहे हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अपर जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारी सभी गाँव में चौपाल लगा के वहीं सारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनकल्याण योजनाओं में आच्छादन की समीक्षा एवं विकास कार्य और अवस्थापना संबंधित योजनाओं की क्रियान्वयन की संबंध में समीक्षा की जा रही है, उनकी समयबद्धता गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा की जा रही है और जहां उत्तरदायित्व निर्धारित करना वहां उत्तरदायित्व भी किया जा रहा है, ताकि प्रशासन गांव के द्वार तक पहुंच जाए, लोगों के द्वार तक पहुंच जाए और वहीं सेवाएं लोगों को मिले, पारदर्शिता पूर्वक मिले। किस तरह के मामले हैं आज गाँव में विकास संबंधित योजनाओं के बारे में काफ़ी बातें संज्ञान में आई। जहाँ गति कमी थी, जैसे गलियाँ बन रही थी, नालियाँ बन रही हैं, उन सभी में हम लोगों ने गति लाने के लिए 3 महीने का समय दिया है। जुलाई में पुनः चौपाल लगेगी उस गांव में और 100% कार्य पूर्ण होने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्ट्रीट वेंडरों की बैठक सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि शासन की दो महत्वपूर्ण योजना में
बैंकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना व स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं के लिए लोनिंग से जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए बैंकर्स के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि 900 आवेदन पत्र बैंक में पेंडिंग है, जिसके निस्तारण के लिए 2 दिन का समय बैंक को दिया गया है और दोबारा इसकी समीक्षा 2 दिन बाद की जाएगी, जिससे कि सभी आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण हो सके। अगर किसी भी पथ विक्रेता को लोन में दलाल हस्तक्षेप करता है तो प्रशासन के द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर पर तत्काल सूचना दे, उनका हर संभव मदद किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए आपकी पेंडेंसी कब तक पूरी हो जाएगी? इसमें सर 82 एप्लीकेशन। काम करिए, कल शाम तक अगर कोई पेंडेंसी रह जाती है तो बैंक मैनेजर और जिला प्रबंधक के खिलाफ आप ऊपर एक लेटर लिख दीजिए और जबरदस्ती लिख दीजिए RBI, वहाँ RBI में हमारे ऑफिसर जी हैं, उनके खिलाफ उनको भेज देंगे व्हाट्सएप या मेल पे। स्टेट बैंकर्स कमेटी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रमुख सचिव साहब और मुख्यमंत्री कार्यालय सब देखते हैं। सुधार होगा यहाँ, ये हमें सारा पता है। ये जो पेंडेंसी है इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, जब आवश्यक हो तो तुरंत मिल जाता है, जब आवश्यक नहीं है तो तुरंत नहीं होता, ये सब छानबीन हो जाएगी 2 मिनट। क्यों आपकी पेंडिंग है 34? ये गोरखपुर ब्रांच में 39 बचे हुए हैं, तो अगले 2 दिन में क्लियर। इंडियन बैंक आजाद चौक, इंडियन बैंक से कौन है? इंडियन बैंक से। अब बताइए क्यों इतने पेंडिंग है? सर अभी 10,000 का ये चल रहा है, क्यों आपके केस 2 मिनट में बाहर आ जाएगा? मेरे पास पता है आपको कितने डिकॉय चल रहे हैं। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने सोमवार को 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का चरगावा में बनाए गए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से यह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिससे कि लोग हेलमेट, सीट बेल्ट लगाएं, नशा करके वाहन ना चलाएं तथा यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते हैं, जिससे कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अगर व्यक्ति ट्रैफिक रूल का पालन करे तो होने वाले दुर्घटना को रोका जा सकता है। इस अवसर पर RTO अनीता सिंह, ARTO श्यामलाल, चरगांव ब्लॉक प्रमुख रंजना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए RTO अनीता सिंह एवं पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वागत अनुरोध करूंगा। भाई मोबाइल पीछे करें, जाएं तो कम से कम आप सड़क पर चलें तो
जब चल रहे हैं तो आपसे किसी को दिक्कत ना हो, आप सड़क पर चलते समय जो नियम है उसको आप किस तरह से आप फॉलो करेंगे, उन सारी चीजों की जानकारी आप लेकर के जाएं और वही अपने जीवन में कम से कम ऐसे ये होगा कि एक हफ्ता ही नहीं पूरे जीवन भर उसका पालन करें। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा ग्रहण करके आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, हम कुछ अच्छा करें, अच्छी सर्विस पे जाए या अच्छा बिजनेस करें, इसलिए जीवन भी तो जब आप अच्छे तरीके से जिएंगे तभी तो उसका आनंद लेंगे। ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई जा रही है और ऐसा तो नहीं सारे लोगों का उद्घोटन हुआ, आप सुने और फिर आपसे इस कान से सुन के ऐसे आप तक आ गए, इस कान से सुने और इस कान से निकाल लिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 1998 जब मैं मेरे दादाजी की गाड़ी थी और वो कहीं चले गए थे और हम लोगों ने उनकी गाड़ी पूरे से निकाला और शहर के लिए लेकर के दूर चल गए। मैं सुना बोलूँ कि ढलान पर आप गए होंगे महाराज जी के मेडिकल कॉलेज के तरफ, जहाँ ढलान समाप्त होता वहीं से सड़क जाएंगे बालाघाट के लिए। जब मैं बालाघाट की गलियां रोड से आकर के शहर की तरफ जब गया तो मुझे ये नहीं पता था कि रोड पर मुझे अपनी स्पीड को कम करना, चूंकि मैं पहली बार मोटरसाइकिल पर बैठा। जैसे ही मैं रोड पर आया मैंने स्पीड कम नहीं किया और मेरी मोटरसाइकिल नीचे गई और संजोग ऐसा था कि उस समय इतना रस नहीं था, मोटरसाइकिल नीचे से फिर वो ऊपर होते हुए सड़क पर चढ़ गई और मैं बच गया। गाड़ी नीचे गई और सड़क पर चढ़ी और मैं बच गया, फिर आगे मैं आया तो जी एन नेशनल पब्लिक स्कूल के सामने बच्चों की छुट्टी हुई थी, इस साइड में एक प्राइवेट विद्यालय छुट्टी हुई थी और वहाँ पर आते आते मैंने एक्सीडेंट कर दिया और मैं गिरा, मेरे हाथ में टूटा, एकदम फिसल गया, चोट लग गया। वह जीवन की पहली घटना थी लेकिन उसके बाद से आज तक मेरी गाड़ी में दिक्कत हुई, अगर उससे घर हुई दुर्घटना, क्योंकि जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा कि दो ड्राइवर, मेरा ड्राइवर गाड़ी से जब चलता बैठे हुए हैं, मैं एक तरह से फिर ड्राइवर का मैं काम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने में लेता हूँ। इस समय जैसे मेरे पास जैसे एक तो ये सही है कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर राजदूत चलाएंगे तो उसकी स्पीड जैसे ही आप 40 के ऊपर जाएंगे उसकी स्टेयरिंग उससे भी काफी लगती है। अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन को देखेंगे न देखेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपनी मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सर्वप्रथम निर्णय हैं उसमें सबसे पहले ये भी है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जन जागरूकता को कराया जाए, जन सामान्यों को कराया जाए। उसके क्रम में हमारे माननीय परिवहन मंत्री की जो चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं शासन के द्वारा भी, जो 18 अप्रैल से हम लोग 24 अप्रैल का आयोजन किया तक आयोजन किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे गोरखपुर जनपद में माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने, जिसमें किस तरह से हम
सड़क सुरक्षा का के नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और इस सड़क सुरक्षा का जो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसमें कई विभाग के सहयोग से इसका कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसमें PWD, ट्रैफिक, शिक्षा, रोडवेज, स्वास्थ्य, कई विभाग के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के अधिकारीगण आके अपने बहुमूल्य अपने विचार यहाँ पे हमें प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का जो शपथ है वो भी माननीय विधायक जी द्वारा सभी जन सामान्य को दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा के माध्यम से मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगी कि ये जो नियम बनाए जाते हैं थोड़े कड़े ज़रूर हैं, बट ये वो आपके जीवन की रक्षा के लिए हैं। अगर आप उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो आपके जान माल का खतरा हो सकता है, आपका परिवार इसका भुक्तभोगी हो सकता है। तो थोड़ी सी लापरवाही ना बरत के आप अपने लिए संवेदनशील हो जाइए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सतर्क हो जाइए, कुछ जिम्मेदारी का एहसास कर लें, ताकि इन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन, जैसे आप सीट बेल्ट चला लीजिए, गलत दिशा में वाहन का बिल्कुल नहीं उपयोग करेंगे, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइविंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं ड्राइव करेंगे, जिसकी वजह से आपको भी पता है कितनी व्यवस्था हो जाएगी। इन नियमों के साथ साथ अपने वाहन को किस तरह से टेक्निकली फिट किया जाएगा, कभी कभी रास्ते में टायर फट जाता है, तेल नहीं रहता है, आपके ल्यूब्स ऑयल ख़त्म हो जाते हैं, इन सब पे भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप मेनली तो आप उसी से चल रहे हैं, पहले उसका ध्यान रखें। हेलमेट पहन के अपने गाड़ी वैध कागजात के साथ आप वाहन चलाएंगे, यही आपके जन माल की सुरक्षा करेगा। जो सड़क सुरक्षा के नियमों का नहीं पालन करते हैं उनके द्वारा हम जुर्माने की व्यवस्था है, उनको दंडित करने की भी व्यवस्था है। पहले तो हम उनको जन जागरूकता के माध्यम से जो तरह तरह के प्रोग्राम होंगे उनको जन जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अन्यथा सप्ताह में कई दिन ऐसे हैं जिसमें हमें सीट बेल्ट हेलमेट के प्रति अगर कोई जागरूक नहीं है उसका भी अभियान चलाया जाएगा, गलत दिशा में नहीं चलाए, ओवरलोड नहीं चलाए, इन सब कई मुद्दों पर हम लोग उनके ऊपर जुर्माने की व्यवस्था है, दंडित करने की व्यवस्था है। देखिए, सड़क सुरक्षा जो सप्ताह का कार्यक्रम है ये RTO के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पर ITI स्कूल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और सुरक्षा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सड़क पर चलें तो यातायात के नियमों का पालन करें, हम अपने भी सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षित रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जब वो ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे तो उस नियम का पालन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यह ट्रेनिंग है, ये जो है होना भी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जानकारी के अभाव में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इस तरह का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को और RTO विभाग के अपने जो अधिकारीगण हैं, मैं सबका आज के इस कार्यक्रम को कराने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए मैं सबका धन्यवाद भी सबको देता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले इन मेलों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियां होंगी। वहीं सोमवार को चरगावां ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना ने फीता काटकर ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का शुभारम्भ किया, जिसमें गोद भराई का रस्म किया गया, जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वास्थ्य मेला एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण की ओर से चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना समाज के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी अपने समाज और देश के लिए कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, आंख, कान, नाक एवं गले की जांच की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा आयोजन में दंत चिकित्सा जांच,
त्वचा की जांच, पोषण के लिए परामर्श, एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श, टीवी नियंत्रण, मलेरिया, आंखों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। धूम्रपान और तंबाकू एवं प्रभाव की जांच, नियंत्रण व अन्य विभागों के इलाज संबंधी सेवाएं मिल रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सब तरह की सुविधाएं हैं, करने जा रहे हैं, शुरू किया गया, ढेर सारी तालियां, बहुत बधाई माननीय विधायक, कृपया आप मंचासीन हो। डॉक्टर धनंजय कुशवाहा साहब, MYC चरगावा, बुके है MYC चरगांव द्वारा माननीय विधायक के प्राइज को बुके प्रदान किया गया। सभी से निवेदन करूंगा कि मंचा से सभी उधर नीचे कौन सा हिदायत दी जा रही है। सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया आप इस मेले का लाभ उठाइए और पर्याप्त मात्रा में दवाएं लेकर काउंटर भी है यहाँ पे, सर जनपद में विभिन्न पदों पे रह चुके हैं और इस समय जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका में हैं और सर ने तो बच्चा है बेटा, हाँ कितने महीने का, पिंकी किसका नाम है, 27 जुलाई को आया है, पिंकी 27 जुलाई को महीना आया तुम्हारा, मार्क्सी निकाल दिया क्या उसमें से, ये है नीचे वाला सफेद वाला निकाल दिया, गरम पानी करके इतना बना लीजिएगा, दोनों में से कितना महीने का बच्चा है, लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य था कि भारत को 2025 तक जो है टीबी मुक्त कर दिया जाए, इस चीज के फायदे को चिन्हित कर करके उनको डाक की दवा फ्री में लग रहा है, वही लग रहा है, कुछ तो नियंत्रण है। वर्तमान में एक और कार्यक्रम आप लोग सब लोग आते हैं, हमारी जाजा के घर पर स्टिकर लगा रही है और जो दस्तक अभियान चल रहा है, जो घर घर जाकर हमारे जो अभियान है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चल रहा है, तो आप सारे लोगों से जाने लोगों पहले सर्टिफिकेट, लेकिन आपका दवाई ले लीजिए, जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तभी कुछ हो पाएगा, नाम आने की तरफ से बन रहा है, लेकिन हम लोगों ने सारे लोगों ने लगातार मेहनत करते हैं, ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, अमृत पीकर लोग अमर हो जाते थे, हम अमृत पिएंगे तो कहां अमर हो पाएंगे, मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से हृदय से बहुत बहुत अच्छा काम करके ही इस पृथ्वी से जाने के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। के पास में जाकर के अपने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, आजादी के 75वें वर्ष में केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉकों में ये आजादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, एक मंच ऐसा दिया जाता है कि गांव से सभी लोग यहां पर आकर के जिसको जो भी बीमारी है यहां से आकर के वो अपने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जो है ले सकता है। सही बात तो यह है कि व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और जागरूकता फैलाने के लिए हमारी जो आशा बहने हैं, जो हमारी ANM है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो सहायिका हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ये गांव में करती हैं। बस उसमें थोड़ा सा और उसे ठीक ढंग से हमें करने की ज़रूरत है, जैसा
आज यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि यहाँ पर सब कम से कम यहाँ पर ये ब्लॉक स्तरीय जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो जागरूकता कि कहीं न कहीं कमी है हमें बता करके लोगों को इस स्थल पर पहुंचाने की ज़रूरत थी, और जब वो आते तो निश्चित है कि वो यहाँ से लाभ प्राप्त करते। केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर गांव गरीब किसानों के लिए चिंता करती है कि ये जो हमारे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। अभी बाबू लाल जी गुप्त ने कहा कि वास्तव में अमृत जब व्यक्ति स्वस्थ है तो निश्चित है कि वह अधिक समय तक इस देश के लिए समाज के लिए अपना योगदान दे सकता है, लेकिन जब शरीर रुग्ण रहेगा बीमारी से ग्रसित रहेगा तो कोई काम नहीं कर सकता है। ये कह रहा हूँ, ये टोकरी पीछे करी, उनका चेहरा छुप रहा है। बहुत ज्यादा इसमें भूख लगी है क्या? थोड़ा पीछे देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव ये हर ब्लॉक में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में देखिए हर व्यक्ति को स्वस्थ होना समाज के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो अपने समाज के लिए, अपने लिए और देश के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये मेले का जो आयोजन किया गया है, एक मंच यहाँ दिया गया है। हर मर्ज की यहाँ पर दवा है, हर डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो भी जैसा जिसकी बीमारी है उसके अनुसार वो अपना यहाँ पर परामर्श ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सबको दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्यक्ति इस मेले का लाभ लेकर के अपने को स्वस्थ कर ले, अपने आप में बहुत बड़ी जो सोच है मोदी जी की, योगी जी की, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अंत्योदय अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उसी क्रम में ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नगर निगम सदन की 23वीं व 24वीं बैठक में सर्वसहमति से 45,254.85 लाख का नगर निगम का बजट हुआ पास। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वरीयता के आधार पर सभी पार्षदों को क्षेत्र में कार्य कराने के लिए दिया जाएगा 40 लाख रुपए। फर्जी वेबसाइट और फर्जी कंपनियों के नाम का प्रयोग कर अलग अलग शहरों के होटलों में जाकर लोगों को लुभावने हॉलीडे पैकेज का ऑफर देकर रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 1 पैन कार्ड सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। सहजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, विकास कार्यों में पाई गई है कुछ कमी, 1 सप्ताह के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिया निर्देश। स्ट्रीट वेंडरों की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। कहा, 900 पेंडिंग एप्लीकेशन का बैंक 2 दिनों के अंदर करे निस्तारण, किसी भी तरह की समस्या होने पर स्ट्रीट वेंडर कंट्रोल रूम के नंबर पर कर सकता है शिकायत, तत्काल होगी कार्यवाही।
18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। कहा, यातायात नियमों का पालन करके मार्ग दुर्घटना में लाई जा सकती है कमी। सभी लोग यातायात नियमों का करें पालन। अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का चरगांव ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों में बढ़ाई जा रही है जागरूकता। नगर निगम में बोर्ड की बैठक से पहले शोक प्रस्ताव हुआ पारित। 1995 बोर्ड के सदस्य रहे प्रदीप कुमार व प्रेम चंद्र श्रीवास्तव के निधन पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों पार्षदों ने 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का किया गया वितरण। सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर कहा कि जल्द ही घाट पर हैंडपंप की जाएगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा ठंडा जल। दवा पर जीएसटी समाप्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और नवीन महवा मंडी में आलू की 1100 रुपए प्रति क्विंटल की हो रही है बिक्री। प्याज पहुंचा 1500 रुपए के पार। नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के आढ़तियों ने कहा, बिक्री हो रही है कम, आवक है भरपूर। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटकू
मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम में बोर्ड के 30वीं बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 1995 बोर्ड के वार्ड संख्या 7 के नगर निगम बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रदीप कुमार का 16 जनवरी 2022 व प्रेम चंद श्रीवास्तव का 13 फरवरी 2022 को निधन हो गया था, जिसको देखते हुए बोर्ड के बैठक के पहले शोक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करके सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित पार्षदगणों ने उनके लिए प्रार्थना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम की 23वीं बैठक नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल में आहूत की गई है। इस बैठक में सर्वप्रथम नगर निगम गोरखपुर के 1995 बोर्ड के वार्ड संख्या 7 के मानीपुर पार्षद श्री प्रदीप कुमार का दिनांक 16/1/2022 को तथा मानीपुर पार्षद श्री प्रेमचंद श्रीवास्तव का दिनांक 13/2/2022 को आकस्मिक निधन हो गया था। उसकी उस संबंध में नगर निगम के माननीय पार्षदगण, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने आज शोक प्रस्ताव पारित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। इस शोक प्रस्ताव के बाद आधे घंटे के लिए जो सदन की बैठक है वो स्थगित कर दी गई है। पुनः जो बजट पे परचर्चा करने के लिए जो है बैठक आधे घंटे बाद पुनः जो है सदन हॉल में सभी लोग एकत्रित होंगे और बजट के जो रखे गए प्रस्ताव हैं उन पे चर्चा होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा चरगावा CSC पर पिपराइज विधायक महेंद्रपाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण तथा सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में पिपराइज विधायक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से खेलो इंडिया खेलों के तहत उत्तर प्रदेश के हर गांव में जिम की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था, मिनी स्टेडियम की व्यवस्था कराने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि गांव में जब युवाओं को इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध होगी तो जिससे अपने आप को जोड़ करके देश की सेवा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। इस अवसर पर चरगावा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह सहित डॉक्टर नर्स मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह ने कहा, और जहां ट्रायल में जा रहे हैं वहां उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने ट्रायल में सफल हो। तृतीय स्थान प्राप्त सत्य माधव को पुरस्कार प्रदान करते हुए स्वच्छता के एक नए आवरण के आधार पर काम कर रहा है। गर्मियों का स्वागत हो रहा है, ताली बजा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ताली बजाकर के राम लवण जी सम्मानित होते हुए
श्री गोलू यादव जी। श्री विद्यासागर जी। बारी बारी से आप सभी लोग जिनका जिनका नाम बोला गया है आप आ जाए। प्रदीप कुमार जी, अनीश जी, मनोज जी, पद्माकर सिंह। यही खड़ा हो के तीसरा है ठाकुरपुर से संजय। संजय जी, डॉक्टर नंद कुमार साहब द्वारा वितरित किए। रीता भारती सुंदर साहब ठाकुरपुर नंबर दो। इनको पुष्ट का किट वितरण किया जा रहा है। जो यहाँ पर किट का जो वितरण हुआ है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल भी एक माध्यम है और योगा भी एक माध्यम है। योग के माध्यम से भी हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, मैं तो अगर ये कहूँ कि बहुत से ऐसे विभाग थे जो विलुप्त हो गए थे और मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश रहा हो या खेल कूद में रहा हो, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे होंगे कि खेलो इंडिया खेलों के तहत किस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गाँव में जिम की व्यवस्था कराना, ओपन जिम की व्यवस्था कराने के लिए, खेल कूद मैदान की व्यवस्था कराने के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए, कि जब हमारा युवा गांव में जब उनको ये सब व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी तो उससे वो अपने आप को जोड़ करके वो बच्चा जब वहां पर वो लाभ प्राप्त करेगा तो निश्चित है आगे चल करके वो देश की भी सेवा कर सकता है और समाज की भी सेवा कर सकता है। तो उस क्रम में बहुत बड़ी योजना कि हर गाँव में जो ओपन जिम देना, मिनी स्टेडियम बनाना, ये हो रहे हैं हमारे वहाँ। तो जहाँ जहाँ ज़मीनें लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से जिस तरह से खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है और जो हमारे वहाँ मैंने कहा कि जो पर्यटन विभाग आज जो है पूरे प्रदेश में जिस तरह से हर जो हमारे मंदिर थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर रहा हो या अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर रहा हो, ये सारे के सारे जो भी काम हुए हैं, पहले की सरकारों में कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का अभाव रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और होने भी चाहिए। ये हिंदू समाज के लिए और देश के लिए लाभकारी है। गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर बोलते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिससे कि वहां पर आने वाले नागरिकों को पानी की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही वहाँ पर हैंडपम्प लगवाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि वहाँ पर समर्सेबल पंप भी लगवाए जाए, जिससे कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पीने का पानी की समस्याओं का सामना न कर ना पड़े। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में लोग वहां पर अंत्येष्टि संस्कार में भाग लेने के लिए आते हैं या कोई धार्मिक पर्व होता है, तभी वहां पर लोग भारी मात्रा में पहुंचते हैं, इसलिए प्रयास रहेगा कि जल्दी वहां पर हैंडपंप को लगवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जो हम लोग के संज्ञान में लाई गई है कि गुरु गोरखनाथ जो राजघाट का हमारा घाट है वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है।
इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ पर हैंडपम्प लगवा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ सबमर्सिबल भी लगा दें, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को पीने के पानी की कोई भी समस्या ना हो। और कोशिश करते हैं हम लोग हैं कि वहाँ का कोई उचित जगह मिल जाएगी तो हम लोग कोई, चूँकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग अंत्येष्टि संस्कार में प्रतिभाग करने के लिए आते हैं या कोई धार्मिक पर्व होता है तो वहाँ पर आते हैं, तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर वो उचित स्थान मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर वाटर कूलर या मतलब ऐसी चीज़ लगवा दी जाए जिससे कि वहाँ आने वाले जनमानस को ठंडे पानी की जो है आपूर्ति हो सके। गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पानी की किल्लत निश्चित रूप से कुछ जगहों पे आ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो हमारा जलकल है पूरी तरह से अलर्ट है। और जो हम लोगों ने इस बार अपने शहर में कई बड़े वाले जो हैं ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, और ट्यूबवेल लगवा के कई जगहों पे हम लोग हैंडपम्प भी लगवा रहे हैं। जो पुराने हैंडपम्प हैं उनको रिबोर कराया जा रहा है, अगर जो ट्यूबवेल में जो छोटी मोटी खराबी आ गई है उनको ठीक कराया जा रहा है। इसके साथ भी कुछ जगहों पे पानी की जो तात्कालिक दिक्कतें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए जब तक मरम्मत वगैरह नहीं हो जाता है हम पानी के टैंकर के माध्यम से वहाँ पर जलापूर्ति कर रहे हैं। अब उसको हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट बना रखी है और उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है उन हैंडपम्पों को हम उसको ठीक करा दें। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने अध्यक्ष संजय कुमार डे के नेतृत्व में दवा पर GST समाप्त किए जाने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने बताया कि पूरे भारत में दवा पर GST खत्म करने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्योंकि आम नागरिक GST को लेकर बहुत परेशान है। सरकार दवा पर GST लगाकर लोगों से 18% टैक्स वसूल रही है, इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि दवा पर GST को हटाया जाए। इस अवसर पर प्रवीण द्विवेदी, आशुतोष घोष, कामरेड अशोक कुमार, दिलीप सिंह, अमित कुमार गुप्ता, विनय गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य कामरेड मनोज भल्ला, SK पांडे, राजेश मिश्रा सहित अभिनव राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कहा, मेरा नाम संजय कुमार डे, मैं गोरखपुर इकाई का UPMSRA गोरखपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो है पूरे भारत में अखिल भारत में जो है पैन इंडिया में हम लोग दवा का रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं। आम जनता इसको लेकर पूरे भारत में गरीब जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। सरकार दवा के नाम से GST लगाकर 18% लोगों से टैक्स वसूल रहा है। दवा कोई खुशी का चीज़ नहीं है, दवा लोग जब परेशानी में आते हैं तो लोग दवा खरीदते हैं और सरकार उसमें से दवा में से भी इनकम करने में लग गए। तो मेरा विरोध है इसमें, आज का हमारा नारा है दवा का दाम कम करो और दवा से GST बंद करो, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना के समय में लोगों को दवा, आज दवा का स्थिति ये हो गया है जिस लोगों के घर में 500 रुपये का प्रति माह की दवा की जरूरत होता था, आज लोगों के घर में मिनिमम 3,000 से 4,000 रुपये के हर घर में दवा जा रहा है। लोग गरीब जो है खाना नहीं खा पा रहा है, सरकार लेकिन जो है उसके ऊपर टैक्स लगाने में लगा हुआ है। मैं इसका विरोध करता हूँ, हमारे संगठन इसको विरोध करता है। मैं आम जनता के लिए ये नारा लगाना चाहता हूँ कि दवा का दाम कम करो, दवा से GST बंद करो। आज हमारा नारा के साथ हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। नवीन महवा मंडी में आलू 1100 रुपए व प्याज 1500 रुपए कुंतल तक बिक रहा है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के विक्रेताओं ने बताया कि मंडी में आलू 900 से लेकर 1100 रुपए तक बिक रहा है और प्याज 900 रुपए से लेकर 1500 रुपए कुंतल तक बिक रहा है। उन्होंने कहा, गर्मी की वजह से बिक्री बहुत स्लो हो रही है लेकिन आवक भरपूर है। अभी दाम और कम होता लेकिन डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ने से दाम ज्यादा है,
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के विक्रेताओं ने कहा, आलू बिका 900 से लेके 1100 रुपये तक बिका, लेकिन बिक्री कमजोर है। आलू गर्मी की वजह से टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाने की वजह से दागी हो रहा है जबरदस्त। प्याज भी जो है नासिक की भी आ गई है, एमपी मध्य प्रदेश की भी प्याज आ गई, तो इसलिए 10 रुपये से लगा के 15 रुपये तक प्याज बिकी है। बिक्री क्या हिसाब है? ठीक है, मतलब प्याज बिक्री। हाँ बिक्री। आलू प्याज का रेट क्या चल रहा है मंडी में? आलू का रेट इस समय चल रहा 8 रुपये से लगा के 10 रुपये किलो तक का, लाल आलू। सफ़ेद आलू बिक रहा है आपका 10 रुपये से 11 रुपये किलो तक का। प्याज का रेट बिक रहा है इस समय 12 रुपये से लगा के 16 रुपये किलो तक की। बिक्री को लेके क्या स्थिति है? बिक्री को लेके बिक्री बहुत ही इस समय स्लो चल रही है, बहुत स्लो बिक्री है। रेट और कम होते मगर डीजल पेट्रोल के रेट जिस तरीके से बढ़ गए हैं तो ये प्रभाव पड़े हुए हैं रेट। और आवक? आवक भरपूर आ रही है इस समय तो। लगन लगन चल रही है मगर उसमें कोई बिक्री पे खासा असर नहीं पड़ रहा। हमारा नाम मिस्टर। आलू का रेट क्या चल रहा है? आलू का रेट भाई साहब 6 रुपया से लेके 9.5 रुपया तक बिक रहा है। सफेद आलू? सफेद या लाल सबका हाल। बहुत इस साल आलू पैदावार ज्यादा था, आलू ज्यादा है समझे। प्याज का पोजीशन ये 10 रुपया से लेके 15 रुपया तक। आलू की बिक्री बहुत खराब है, बहुत कमजोर है। प्याज भी बिक रहे, प्याज तो बिक रही, प्याज इसलिए बिक रहे थे। आज की जो लगन होता है इसमें आजकल लोग ज़्यादातर मछली उछली खिलवाते हैं, सब्जी उब्जी नहीं उतना प्रयोग करते, बस मछली चल रहा झूम के इन सबका बिक्री होगा। आलू की बहुत डाउन है, बहुत डाउन है बिक्री भाई साहब। आलू की तो बिक्री बहुत खराब है, आलू सड़ रहा मंडियों में। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। नगर निगम सदन की 23वीं व 24वीं बैठक में सर्वसहमति से 45,254.85 लाख का नगर निगम का बजट हुआ पास। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वरीयता के आधार पर सभी पार्षदों को क्षेत्र में कार्य कराने के लिए दिया जाएगा 40 लाख रुपए। फर्जी वेबसाइट और फर्जी कंपनियों के नाम का प्रयोग कर अलग अलग शहरों के होटलों में जाकर लोगों को लुभावने हॉलीडे पैकेज का ऑफर देकर रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल, 1 लेनोवो का लैपटॉप, 1 पेटीएम का स्वैप मशीन, 1 पैन कार्ड सहित अन्य सामग्री किया बरामद, भेजा जेल। सहज
खिरजनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भीमापार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, विकास कार्यों में पाई गई है कुछ कमी, एक सप्ताह के अंदर कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी को दिया निर्देश। स्ट्रीट वेंडरों की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। कहा, 900 पेंडिंग एप्लीकेशन का बैंक दो दिनों के अंदर करे निस्तारण। किसी भी तरह की समस्या होने पर स्ट्रीट वेंडर कंट्रोल रूम के नंबर पर कर सकता है शिकायत, तत्काल होगी कार्यवाही। अठारह अप्रैल से 24 अप्रैल तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। कहा, यातायात नियमों का पालन करके मार्ग दुर्घटना में लाई जा सकती है कमी, सभी लोग यातायात नियमों का करें पालन। अठारह अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में ब्लॉक स्वास्थ्य मेला का चरगांव ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के प्रति लोगों में बढ़ाई जा रही है जागरूकता। नगर निगम में बोर्ड की बैठक से पहले शोक प्रस्ताव हुआ पारित। 1995 बोर्ड के सदस्य रहे प्रदीप कुमार व प्रेम चंद्र श्रीवास्तव के निधन पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों ने 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में विधायक महेंद्र पाल सिंह द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री का किया गया वितरण, सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने गुरु गोरखनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर कहा कि जल्द ही घाट पर हैंडपंप की जाएगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा ठंडा जल। दवा पर जीएसटी समाप्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन की गोरखपुर इकाई के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और नवीन महवा मंडी में आलू की 1100 रुपए प्रति क्विंटल की हो रही है बिक्री, प्याज पहुंचा 1500 रुपए के पार। नवीन महवा मंडी के आलू प्याज के आढ़तियों ने कहा, बिक्री हो रही है कम, आवक है भरपूर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।